जाना था स्विट्जरलैंड, पैसे नहीं थे तो राजस्थान पहुंच गए। क्या राजस्थान और स्विट्जरलैंड, ये कैसा कंपैरिजन होता है? एक है रेगिस्तान और दूसरा हिल स्टेशन। अरे भैया, यही तो कमाल बात है हमारे इंडिया के बारे में कि कहीं पर भी कुछ भी मिल सकता है। मैं पहुंच गया हूँ राजस्थान के अंडररेटेड एक लौते हिल स्टेशन माउंट आबू के ऊपर, जहाँ पर मुझे मिनी स्विट्जरलैंड जैसा ही फील हुआ, वो भी एकदम बजट में। आपने अभी तक माउंट आबू के बारे में सुन तो लिया होगा, लेकिन शायद प्लान नहीं बनाया होगा जाने का। तो इस वीडियो को देखो, पूरे डिटेल्स समझो और प्लान बना लो। चलो शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। पिछले व्लॉग में आपने देखा था दिलवारा और गुरु शिखर के नज़ारे, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लेक नक्की, जो कि माउंट आबू का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अट्रैक्शन है। एंड हम इस वक्त आ गए हैं लेक नक्की पर। बहुत ही हरा भरा मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे शॉप्स हैं, मज़ा आ रहा है अभी तक तो। एंड मौसम भी अच्छा है, जैसे सुबह से है। लेक मेरे सामने है, मैं आप लोगों को लेक दिखाता हूँ और आसपास की जगहें भी दिखाता हूँ। बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप लोग माउंट आबू कभी आए हो या आने वाले हो या आप चाहते हो आना, तो बने रहिए मेरे साथ, आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूँ मैं। तो यहाँ मेन रोड से मार्केट से आए, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लेक नक्की के पहले नज़ारे। बोट्स काफ़ी सारी दिख रही है और थोड़ा एडवेंचर वाला स्पोर्ट्स भी दिख रहे हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा कलरफुल है। आइसक्रीम्स देखिए, कितने अलग अलग टाइप की आइसक्रीम्स आपको यहाँ पर मिल रही है। एंड पीछे भी डोमिनोज एंड थोड़े बार रेस्टोरेंट्स, काफ़ी सारी हैपनिंग जगह टाइप दिख रही है ये। ऑफकोर्स दिस इज़ प्रिडोमिनेंटली द सिटी सेंटर मार्केट एरिया टाइप दिख रहा है ये, एंड कलरफुल लेक भी दिख रहा है। तो दिस लुक्स लाइक अ फन प्लेस टू बी इन। तो मेरे पीछे आप नक्की लेक का जो वाटर फ्रंट है वो देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। पीछे पूरे बादल है और लोग बोटिंग कर रहे हैं लेक में। प्राइजेस फाइंड आउट किया है मैंने, बोटिंग का पर पर्सन 200 है, एंड मोस्टली ये सेल्फ पेडल बोट्स है, इसलिए मैं नहीं जा रहा, उतना इंटरेस्ट नहीं है बोटिंग में। और जॉर्बिंग का भी 150 रुपीज़ है, आई थिंक 4-5 मिनट आप कर पाओगे। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है यहाँ पर आकर आप बोटिंग कर सकते हो, नहीं इंटरेस्ट है तो मेरी तरह नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। भीड़ काफ़ी है, शोर शराबा काफ़ी है, लेकिन खाने पीने का सामान, आसपास लेक व्यू बड़ा ही खूबसूरत है। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को पूरा व्यू दिखा देता हूँ। मुझे कितना देखोगे, मुझे कितना ही सुनोगे, लेकिन आप लोगों को एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आना है तो मैंने आपको सब बातें बता दी है पूरा। वहाँ पर पीछे गार्डन भी है एंड वॉकिंग एरिया भी है, तो आप वहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पर उस हिसाब से, तो इट इज़ प्रिटी गुड। अब लेट मी शो यू 360 डिग्री या 180 डिग्री, जितने भी डिग्री का व्यू होता है उतना दिखा देता हूँ, बट यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। तो देखो भाई, अगर आप लोग भीड़ भड़कके को थोड़ा सा इग्नोर कर पाओ तो ये स्विट्जरलैंड से 2 कदम आगे ही है। मैं स्विट्जरलैंड गया हूँ, वहाँ पर भी यही चीज़ें दिखती है, बस वहाँ पर दाम जो है 3 गुना लग जाते हैं। यहाँ पर खूबसूरत वादियाँ हैं, एकदम साफ सुथरी झील है, ठंडी ठंडी हवा है, आप मछलियों को थोड़ा सा खाना भी खिला सकते हो, टहल सकते हो, या फिर इन बुलबुलों की तरह इधर से उधर कहीं पर भी उड़ सकते हो, मज़े कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। इस जगह पर आप अकेले भी आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, बच्चों के साथ भी आ सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी आ सकते हो। अब उनके साथ आकर क्या करना है ये मुझसे मत पूछो यार, आप डिसाइड करो, यहाँ पर आओ और बस एंजॉय करो। ऑलराइट गाइस, तो मैं निकल चुका हूँ अब नक्की लेक की सैर करवा के आप लोगों को। आपने देख लिया, अभी भी आप देख सकते हो क्लाउड्स और लेक और माउंटेन्स जो है, सो यू विल लव इट ओवर हियर। छोटे सा ब्लॉग था इस जगह का, चारों तरफ मैंने आप लोगों को बता दिया, रेट्स बता दिए कैसे आपको आना है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें अरियन बैद ऑफिशियल, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रैवल टिप्स मैं आप लोगों को देते रहता हूँ, अलग अलग जगहें दिखाते रहता हूँ। एंड अब मैं निकल रहा हूँ अपने होटल के लिए वापस, कल जाऊँगा उदयपुर। और भी ब्लॉग्स आएंगे इस चैनल पर हर बार की तरह, अगली बार तक आपको क्या करना है पता है ना, यू कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।